हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोगों ने हमारा 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग कोर्स स्टार्ट कर दिया है और मैंने पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया था जिसमें हमने दो तीन चीज़ें कवर की। डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंस है और डीप लर्निंग अभी सडनली से फेमस क्यों हुआ, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, आज हमारा सेकेंड वीडियो है इस कोर्स का और इसमें भी हम कुछ थियोरेटिकल चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, ये थ्योरी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप आगे बढ़ोगे थोड़े टेक्निकल साइड में तो वहाँ पे ये पर्सपेक्टिव जो अभी गेन कर रहे हो ना आप, वो आपको काम आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में भी हम लोग तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, सो बहुत अलग अलग टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, हम उनका एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, अगेन एक ऐसा टॉपिक जो आपको बड़ा पिक्चर दिखाएगा डीप लर्निंग का। ठीक है, और आपको आगे थोड़ा पर्सपेक्टिव रहेगा चीज़ों का। और थर्ड हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि डीप लर्निंग किस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में पेनिट्रेट कर गया है और कैसे चीज़ों को बदल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट थियोरेटिकल वीडियो, इसके बाद से हम लोग प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विथ परसेप्ट्रॉन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो देखना काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो एक चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आज का जो वीडियो है उसमें मैं अपना कुछ पुराने वीडियोज़ का कॉन्टेंट रीयूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने एक बार पहले भी अराउंड एक साल पहले डीप लर्निंग का कोर्स स्टार्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो वहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे इनिशियल टॉपिक्स के ऊपर, तो आज मैं उसी कंटेंट को रीयूज़ करूँगा। ठीक है, सो मैं नया कंटेंट इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मैंने जब वो पुराने वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि इस पॉइंट पे मेरे पास उन वीडियोस में कुछ नया ऐड करने को नहीं है, वो वीडियोस ऑलरेडी अच्छे थे। ठीक है, तो मैंने दो तीन वीडियोस को मर्ज करके ये वीडियो बनाया है और आई होप आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। टू बी ऑनेस्ट, एज अ बिगनर अगर आप गूगल करोगे ना तो यू विल बी ब्लोन अवे बिकॉज देर आर टेंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मतलब अलग अलग टाइप से आप लेयर्स को अरेंज कर सकते हो और नोड्स को अरेंज कर सकते हो और यू कैन क्रिएट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आर्किटेक्चर्स। तो बहुत सारे तरह के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, बट इस वीडियो में जस्ट बिकॉज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ पांच मेन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दैट टू विल बी वेरी ब्रीफ। अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा कुछ ब्लॉग्स के, जहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, ये पांच टाइप्स भी अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो ये खुद में कोर्सेज हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज जो आपने अभी जस्ट देखा, MLP, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, राइट? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इनफैक्ट जब तक बाकी नहीं आए थे हम, दीज वर सिनोनिम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड MLPs वर सिनोनिम। तो MLPs इज बेसिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, जहां पर आपके पास मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स लेयर्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। सो देर इज एन इनपुट लेयर, देर इज एन आउटपुट लेयर एंड देन देर आर हिडन लेयर्स। ओके, सो कहाँ पे काम आता है MLP? किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन सिनेरियोज में MLPs बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्पेशली अगर आपको नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर करना है, वहां पर MLPs आर ग्रेट। आप हिडन लेयर्स ऐड करोगे, आप और ज्यादा अच्छे तरीके से नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर कर पाओगे। क्यों कर पाओगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, द सेकंड टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विच इज वेरी फेमस दीज डेज इज CNN, विच स्टैंड फॉर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ स्पेशल न्यूरल नेटवर्क जहां पे आपका एटलीस्ट एक लेयर कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है। ठीक है, अब कॉन्वोल्यूशनल लेयर क्या होता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आप डीप में थोड़ा सा स्टडी करोगे। बट आई वुड जस्ट लेट यू नो कि CNNs बहुत ज्यादा यूज होते हैं इमेज प्रोसेसिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में। इनफैक्ट आज के रेट में जितने भी मेजर इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर आई डोंट नो हेल्थ केयर में चेस्ट इमेज स्कैन करके बताना कैंसर है कि नहीं, इस तरह के एप्लीकेशंस में CNN बहुत यूज हो रहा है, राइट? तो CNN इज एक्चुअली अ ग्रेट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देर वॉज दिस गाय यान ली कुन, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ CNN। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, आई अगेन शेयर द लिंक्स। द थर्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज RNN। सो RNN का फुल फॉर्म होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। और इस न्यूरल नेटवर्क का खासियत क्या है कि अभी तक हमने जो भी दोनों न्यूरल नेटवर्क डिस्कस किए,
MLPs और CNN, ये सारे के सारे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, मतलब इंफॉर्मेशन पहले लेयर से लास्ट लेयर तक लीनियरली आगे जाता है, राइट। बट इन RNN व्हाट हैपेंस इज कि बीच में कहीं पर हिडन लेयर में, हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो फीडबैक होकर के पीछे के किसी लेयर में जाता है, सो दैट प्रेडिक्शन इंप्रूव कर पाओ, ओके। और इसका एक बहुत अच्छा वेरिएशन है, LSTM बोलते हैं उसको, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। और ये जो दोनों चीजें हैं RNN और LSTM, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड एप्लीकेशंस में। सो अगर आप गूगल नाउ या सीरी या कॉर्टाना तरह के किसी चैटबॉट से इंटरैक्ट किया हो, तो इंटरनली दे आर यूजिंग RNNs, ओके। सो अगेन इट्स अ वेरी फेमस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। द नेक्स्ट वन इज नोन एज ऑटो एनकोडर्स। सो ऑटो एनकोडर्स टू बी ऑनेस्ट उतना फेमस नहीं है जितना CNN और RNN है, बट दे हैव अ वेरी डिफरेंट एप्लीकेशन। सो यहाँ पे क्या होता है कि ऑटो एनकोडर्स का काम होता है कि आप आपके पास एक इनपुट डेटा है, आप उसको कंप्रेस करना चाहते हो विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, राइट। अगर आपके पास एक इमेज है तो आप उसको छोटा करना चाहते हो विदाउट लूजिंग द क्वालिटी। सेम गोज विद एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, फाइल को आप कंप्रेस करना चाहते हो या फिर वीडियो को कंप्रेस करना चाहते हो। सो द होल आइडिया इज कि आप कंप्रेशन करना चाहते हो विदाउट लूजिंग क्वालिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, आपके इनपुट लेयर्स और आपके आउटपुट लेयर्स में बराबर नोड्स होते हैं, बट आपके जो हिडन लेयर्स होते हैं उसमें कम नोड्स होते हैं, सो दैट आप ये टास्क कर पाओ, ओके। सो दैट वाज ऑटो एनकोडर्स। द लास्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट, एंड मैंने बहुत पढ़ाई किया इन चीज के बारे में। इट्स नोन एज GAN, GN स्टैंड फॉर जेनरेटिव एडवर्सियल, आई एम सॉरी, एडवर्सरियल नेटवर्क। सो GAN क्या होता है, GAN इज दिस ग्रेट कॉन्सेप्ट। सो देयर इज दिस गाय कॉल्ड Ian Goodfellow, एंड ही इज प्रीटी यंग एक्चुअली। उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि हम इमेजिनेशन करवा सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से। और उस बंदे ने एक आर्किटेक्चर क्रिएट किया कि जहां पर दो न्यूरल नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ यू नो कम्पीट करते हैं, गेम खेलते हैं। सो देर इज वन न्यूरल नेटवर्क जिसको बोला जाता है जनरेटर, राइट, एंड देर इज वन मोर न्यूरल नेटवर्क जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटर। अब लेट्स से हम अपने GAN से क्या करवाना चाहते हैं, हम इमेजेस जनरेट करवाना चाहते हैं कंप्लीटली नए लोगों के, मतलब जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं किए, तो हम क्या करेंगे, खूब सारे लोगों का फोटो जनरेट करवाएंगे जनरेटर से, और डिस्क्रिमिनेटर का टास्क होगा कि वो डिस्क्रिमिनेट करेगा कि वो फोटो फेक है या रियल है। जैसे ही जनरेटर बेवकूफ बना पाएगा डिस्क्रिमिनेटर को, वो पर्टिकुलर इमेज को आप बोल दोगे कि इट्स अ ऑटो जनरेटेड इमेज, एज एन इमेजिन्ड इमेज, वो पहले कभी नहीं था। एंड गेस व्हाट गाइस, इट्स सच अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट आप ये फोटो देखो, इस फोटो में इफ यू कैन सी, ये ऐसा लगता है जैसे दे आर रियल ह्यूमन बींग्स, बट एक्चुअली इनमें से कोई भी कभी एग्जिस्ट नहीं किया, ये सारे के सारे इमेजिन्ड फेसेस हैं, और ये सब हुआ GAN से। GAN से यू कैन ऑल्सो जनरेट म्यूजिक और यू कैन ऑल्सो जनरेट स्टोरीज। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट जिसमें आप अपने प्रोग्राम के थ्रू इमेजिनेशन करवा रहे हो, राइट। सो अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, यू शुड सी सम ब्यूटीज ऑन इट, ओके। मैं कुछ लिंक्स फिर से शेयर कर दूंगा। सो दीज आर द टॉप 5 काइंड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, और भी होते हैं बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। सो आई जस्ट समराइज, द फर्स्ट वन दैट वी डिस्कस वॉज MLP, देन वी डिस्कस CNN, देन RNN, देन ऑटो एनकोडर्स, एंड फाइनली GANs, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। नाउ यू माइट से कि यार डीप लर्निंग सीखना है, डीप लर्निंग पढ़ाओ ना, मतलब कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ाओ, प्रोग्राम लिखते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़नी। तो आई गिव यू टू रीजंस, ओके। सो द फर्स्ट रीजन इज कि डीप लर्निंग नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मतलब नया टेक्नोलॉजी मतलब इसका हिस्ट्री भी बहुत रीसेंट टाइम्स का है। इनफैक्ट जो लोग उस हिस्ट्री में इन्वॉल्व हैं वो लोग बहुत सारे लोग आज भी जिंदा हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो, आपको बहुत पर्सपेक्टिव मिल सकता है। दैट्स रीजन वन। रीजन टू इज बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप अगर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, इसमें तो बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न है, अप्स एंड डाउन्स हैं, और बिल्कुल बॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है। तो एक बार ये वीडियो देखो, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल गेन अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव अबाउट डीप लर्निंग, ओके। सो इट ऑल स्टार्टेड इन 1960s। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और कंट्रीज अपना सुपरमेसी एस्टैब्लिश करने के लिए रिसर्च में बहुत पैसा लगा रहे थे, एंड यूएस वॉज ऑब्वियसली द मेन कंटेंडर फॉर दैट। तो उस टाइम पे वहां पर कंप्यूटर साइंस में बहुत रिसर्च हो रहा था, कंप्यूटर साइंस एंड स्पेस में। तो देर वॉज दिस गाय कॉल्ड फ्रैंक रोजनब्लैट, ओके। सो दिस गाय कंसेप्चुलाइज्ड द थिंग परसेप्ट्रॉन, ओके, एंड ही सेड कि आई हैव इन्वेंटेड समथिंग जो सीख सकता है, लाइक लर्न कर सकता है, एंड इट इज वेरी वेरी क्लोज टू अ ह्यूमन न्यूरॉन, ओके। सो उसका लर्निंग मैकेनिज्म और वो
जैसे काम करता है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू अ एक्चुअल न्यूरॉन. एंड दिस वॉज अ बिग थिंग बैक देन, इट वॉज अ बिग थिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और बोला कि यार दिस इज द ट्रू स्टार्टिंग ऑफ यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब यहां से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना स्टार्ट कर देंगे. इनफैक्ट रोजनब्लैट वाज सो वेरी कन्विंस्ड कि उसने कुछ बहुत तगड़ा उखाड़ा है कि उसने ये बोला, एक बार पढ़ो ये चीज. सो ही वॉज टोटली कन्विंस्ड, राइट? दिस वॉज 1960s. कुछ साल तक बहुत चला इसके ऊपर रिसर्च और लोगों ने बहुत काम किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हुए. 1969 में देर वॉज दिस रिसर्चर कॉल्ड मार्विन मिन्स्की. ही सेड कि यार देर इज सम इशू विथ परसेप्ट्रॉन, सब ठीक नहीं है, कुछ एक बड़ा प्रॉब्लम है. एंड देन ही रियलाइज, एंड उसने एक पेपर पब्लिश किया और उसमें उसने लिखा कि परसेप्ट्रॉन बहुत सारी चीजें कर पाता है, बहुत सारी चीजें सीख पाता है, बट देर इज अ मेजर मेजर प्रॉब्लम. द मेजर प्रॉब्लम इज परसेप्ट्रॉन कैन नॉट लर्न अ एक्सॉर फंक्शन. That was his conclusion. In fact, उसने ये तक बोल दिया कि तुम कितना भी ट्रेन कर लो परसेप्ट्रॉन को, तुम कभी भी ये मेक श्योर नहीं कर पाओगे कि वो एक्सॉर फंक्शन को सीख पाए, कभी भी नहीं हो सकता. एंड ही वॉज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि हमने ये पढ़ा भी है कि परसेप्ट्रॉन वर्क्स ऑन लीनियर मॉडल्स, तो लीनियर फंक्शन के ऊपर कन्वर्ज करना उसके लिए ईजी है, बट अगर आप उसको नॉन लीनियर फंक्शन दे दो तो कभी कन्वर्ज नहीं कर सकता, और एक्सॉर इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. ओके, एंड वो चीज आखिर के एकदम हिट किया, मतलब जो ये पूरा सक्सेस मिला था परसेप्ट्रॉन को, सडनली से पूरा डिफ्यूज हो गया. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट AI वेक्टर. मतलब पूरा फंडिंग वंडिंग कम हो गया और मीडिया में अब कम बातें होने लग गई, कम रिसर्चेस उसको एज प्रोजेक्ट लेने लग गए, और पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट था वो डिप कर गया, राइट? सो इनिशियल सक्सेस डिप. दिस इज 1970s. 1978-80s के अराउंड देयर वॉज दिस गाय, ही वॉज अ स्टूडेंट बैक देन, जॉफ हिल्टन. सो this guy is actually known as the father of deep learning, and currently he is working at Google, and he was a student back then. And by the way, his great great grandfather is George Boole, so a great mathematician. So basically bande ke genes mein tha kuch sahi folna. To usne kuch 8 saal 1978 se 1986 tak perceptron aur neural networks ke upar research kiya, right? एंड 1986 में इस बंदे ने एक पेपर निकाला, पेपर पब्लिश किया बाय द नेम ऑफ लर्निंग रिप्रेजेंटेशंस यूजिंग बैक प्रोपोगेटिंग एरर्स. ओके, एंड दिस वाज अ लैंडमार्क पेपर. इसमें जॉफ हिल्टन ने क्या बोला है कि आपका सिंगल परसेप्ट्रॉन तो ऑब्वियसली लीनियर फंक्शंस को कन्वर्ज कर सकता है, लेकिन नॉन लीनियर पर कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, बट अगर आप बंच ऑफ परसेप्ट्रॉन्स को साथ में यूज करो, बेसिकली आप एक न्यूरल सिस्टम बना दो, न्यूरल नेटवर्क बना दो, और उसमें और हिडन लेयर्स अगर आप ऐड करो, तो इट कैन एक्चुअली कन्वर्ज टू एनी नॉन लीनियर फंक्शन. इनफैक्ट गिवन इनफ हिडन लेयर्स, यू कैन कन्वर्ज टू एनी मैथमेटिकल फंक्शन. मतलब इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम. ओके, एंड दिस वॉज ग्रेट. मतलब अब सडनली से जो सबसे बड़ा फ्लॉ था परसेप्ट्रॉन का कि तुम नॉन लीनियर फंक्शन के ऊपर काम नहीं कर सकते, उसको आप ओवरकम कर पा रहे थे. और वो कैसे कर पा रहे थे? बाय एडिंग मोर परसेप्ट्रॉन्स इन डिफरेंट लेयर्स. ओके, और यहां पर लर्निंग कैसे हो रहा था? देयर वाज दिस एल्गोरिथम कॉल्ड बैक प्रोपगेशन. सो जो भी आपका एरर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन निकाल करके आप ये वेट्स कैलकुलेट कर रहे थे. हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बैक प्रोपगेशन पे हमारा एक पूरा एक वीडियो होगा. बट द होल आइडिया वाज कि बिकॉज ऑफ दिस बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम यू आर एबल टू ट्रेन दिस लार्ज न्यूरल नेटवर्क, जो इन टर्न कोई भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकता है. एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. और जैसे ये हुआ ना, सडनली से पूरा का पूरा पॉपुलैरिटी फिर से पिक करने लग गया. सडनली से एवरीवन वाज एंथुसियास्टिक अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, एंड पीपल वर लाइक ओके नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक, अब कुछ बड़ा करेंगे. इनफैक्ट 1989 में जॉफ हिल्टन का एक स्टूडेंट यान ली कून, हु इज बेसिकली राइट नाउ द AI हेड ऑफ फेसबुक एंड द फादर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. वॉट ही डिड इन 1989, ही रिकॉग्नाइज्ड जिप कोड्स, रिटन जिप कोड्स by taking images, and he also used neural networks and this technique known as back propagation, and that was in fact the first kind of landmark achievement in computer vision. Okay, so this was 1989. So 1991 tak cheeze aise chali ki upar ja raha hai, but suddenly people realized ki boss kuch abhi bhi problem hai. And the problem was ki bahut bade scale ke problems ke upar न्यूरल नेटवर्क्स अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे. थोड़ा रिसर्च करने पे ये पता चला कि सबसे पहले तो लेबल डेटा नहीं था उतना ज्यादा, सेकंड कंप्यूटेशन पावर नहीं था कि आप बैक प्रोपगेशन से सब कुछ वेट्स कैलकुलेट कर पाओ और बहुत ज्यादा लेयर्स ऐड कर पाओ. दैट वाज द सेकंड रीजन. द थर्ड रीजन वाज वेट्स जो इनिशियलाइज करते थे ना आप नेटवर्क की शुरुआत में,
उसको इनिशियलाइज करने का कोई टेक्निक नहीं था, इट वॉज टोटली रैंडम, उसकी वजह से भी एरर्स आ रहे थे। और चौथा रीजन था कि कुछ और एल्गोरिदम्स आ गए, जैसे कि SVM, इट वॉज अ ब्रेक थ्रू एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग, सिमिलरली रैंडम फॉरेस्ट आ गया, और इस तरह के एल्गोरिदम्स आ गए जो कम डेटा के ऊपर भी ज्यादा बेटर कन्वर्ज कर रहे थे, मतलब इन कंपैरिजन टू न्यूरल नेटवर्क्स। तो फिर से दिस वॉज द सेकेंड AI विंटर, मतलब यहां पर अब फिर से एक डिप आ गया न्यूरल नेटवर्क्स में, और कुछ दिन तक फिर से सब कुछ ठंडा रहा, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, 2006 तक। 2006 में वापस जेफ फिल्टन ने एक पेपर पब्लिश किया ऑन दिस थिंग कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग एंड डीप बिलीफ नेटवर्क्स। ओके, सो हिज आइडिया वॉज दिस कि नाउ दैट 2006 में हमारे पास कंप्यूटेशन पावर इंप्रूव कर गया है, हमारे पास लेबल डेटा अच्छा है, ही इन्वेंटेड दिस टेक्निक यूजिंग विच यू कैन इनिशियलाइज वेट्स। सो हिज आइडिया वॉज कि जो इनिशियली आप रैंडमली वेट्स इनिशियलाइज कर रहे थे, वो रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन के बदले आप क्या कर सकते हो, एक न्यूरल नेटवर्क को यूज कर सकते हो वेट्स इनिशियलाइज करने के लिए, एंड दिस इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड प्री ट्रेनिंग। ओके, और आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है सारे टर्म्स, मैं इनके डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। बट 2006 में ही प्रूव्ड कि यूजिंग दिस टेक्निक यू कैन एक्चुअली एड एज मेनी लेयर्स एज यू वॉन्ट, और इससे आप डीप न्यूरल नेटवर्क बना सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस पेपर, न्यूरल नेटवर्क्स का पूरा जो फील्ड था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो पूरा फील्ड था, उसको हमने रीब्रांड कर दिया टू डीप लर्निंग। उसके बाद से लोग उसको डीप लर्निंग बोलने लग गए। 2006 से लेकर 2010 तक बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हुए, और अचानक से फिर से एक स्पार्क आया पूरे के पूरे जर्नी में। 2012 वॉज द ब्रेक थ्रू ईयर, जिसके बाद कभी फिर वापस नीचे नहीं गया डीप लर्निंग। 2012 में क्या हुआ कि जॉफ फिल्टन ने अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट किया इन दिस कॉम्पिटिशन, इमेज नेट कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आप इमेजेस को क्लासीफाई करते हो, बहुत बड़ा एक इमेज नेट डेटा सेट है, उसके ऊपर आपको क्लासिफिकेशन रन करना होता है, और ये 2010 में स्टार्ट हुआ था ये कॉम्पिटिशन। तो 2010, 2011 दो बार ये कॉम्पिटिशन हुआ था, और उस टाइम पे एरर रेट वॉज अराउंड 28%, 26%। 2012 में जॉफ फिल्टन इसमें पार्टिसिपेट किए, और उन्होंने डीप लर्निंग यूज किया ऑन टॉप ऑफ GPUs। उन्होंने इस बार GPUs को यूज किया, उनको लगा कि GPUs बेटर परफॉर्म करेगा हार्डवेयर के हिसाब से, एंड गेस व्हाट, उनका एरर रेट वॉज 16%, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, एंड everyone was surprised। मतलब मशीन लर्निंग algorithms को बेस्ट researchers यूज करके 25% तक भी नहीं ला पा रहे थे, वहां पर जॉब फिल्टर ने GPUs और डीप लर्निंग algorithms को यूज करके ऑलमोस्ट हाफ पे लिया, लाइक 16% पे। दैट वॉज insane, एंड दैट वॉज द पॉइंट वेयर इट ऑल tipped ऑफ। उसके बाद से फिर गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज ध्यान देने लग गए इस टेक्नोलॉजी पे, और रिसर्चर्स और ज्यादा आने लग गए इस फील्ड में, और पेपर्स पब्लिश होने लग गए, और एक होता ना पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होने लग गया, राइट। 2015 के अराउंड गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। 2016 में देयर इज दिस कंपनी डीप माइंड, इन लोगों ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गो प्लेयर बनाया। गो इज दिस चाइनीज गेम विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम, इवन मोर कॉम्प्लेक्स देन चेस। और उन्होंने इस गेम के जो वर्ल्ड चैंपियन था ली सिडोल बोल के, दिस गाय फ्रॉम कोरिया, उसको स्ट्रेट 5 गेम्स में हराया, मतलब 4 बार हराया। सो दैट वॉज इनसेम, मतलब उसका मैं डॉक्यूमेंट्री का लिंक ऐड करूंगा, जस्ट गो वॉच दैट, इट्स अ ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट्री। ओके, फिर और भी बहुत सारी चीजें होने लग गई यार। फिर देर वॉज दिस गाय कॉल्ड इयान गुडफेलो, उसने एक नया चीज बनाया कॉल्ड जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिससे आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, स्टोरीज जनरेट कर सकते हो। और फिर यार उसके बाद से कभी डीप लर्निंग रुका नहीं, और अब हम आज की डेट में हैं जहां पर इट्स सो पॉपुलर दैट इवन कॉलेजेस आर टीचिंग दिस टेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में ये टेक्नोलॉजी एम्बेडेड है और प्रोडक्ट्स को एम्पावर कर रही है। ओके, सो इफ यू थिंक अबाउट दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, मतलब अप्स एंड डाउन्स पूरे थे। तो इफ समवन आस्क्ड यू कि क्या रीजन हो सकता है कि अब जाकर के फाइनली बॉस हमारा डीप लर्निंग एकदम पीक पे आ गया, तो रीजन यही है कि पिछले 5-10 सालों में ये हुआ कि सबसे पहले तो डेटा बढ़ गया, डेटा बहुत ज्यादा आ गया, राइट। और डेटा भी कैसा डेटा, लेबल डेटा। हम जो पूरे टाइम सोशल मीडिया यूज करते हैं या एप्स यूज करते हैं, उन कंपनीज के थ्रू हम लोग बहुत लेबल डेटा जनरेट कर रहे हैं, राइट। सेकेंड, हार्डवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला गया, लाइक हार्डवेयर अब और ज्यादा पावरफुल है, राइट। इमेजिन करो यार, 10 साल पहले स्मार्टफोन्स कितने कम रैम के साथ आते थे, कितना कम उसमें मेमोरी होता था और प्रोसेसिंग स्पीड कम होता था। अब देखो हमारे पास, हमारे पॉकेट में फोन्स है जिसमें 12 GB ऑफ रैम है, मतलब इमेजिन दैट, 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। सो वी आर गेटिंग दिस मच कंप्यूटेशन पावर हमारे पॉकेट में। सो डेटा प्लस हार्डवेयर हैज पावर्ड डीप लर्निंग, एंड वन मोर रीजन इज
दीज एल्गोरिदम्स जो बहुत सारा रिसर्च हुआ है इस फील्ड में, उससे बहुत सारे एल्गोरिदम्स आए, बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं, अब तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, टेंसर फ्लो, केरास, पाइटॉर्च, थियानो, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं जिससे इवन बिगिनर्स लाइक अस वी कैन डू यू नो प्रोजेक्ट्स इन डीप लर्निंग। और फिर ये पूरा का पूरा कम्युनिटी बिल्ड हो रहा है, इको सिस्टम बिल्ड हो रहा है, और वो इको सिस्टम ही एक्चुअली हमको आगे पुश कर रहा है। एंड देयर इज अ ग्रेट चांस कि मतलब आई डोंट नो 10 सालों में हम कहाँ पे होंगे इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग, विल बी एबल टू क्रिएट एक्चुअल इंटेलिजेंट आई डोंट नो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंट सिस्टम्स, यू नेवर नो, क्योंकि अब यहाँ से जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियली होगा। ठीक है, सो आई गेस आई वॉज एबल टू नॉट बोर यू, आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग। सो नाउ दैट वी आर डन विद हिस्ट्री, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो विच इज वेयर विल डिस्कस द एप्लीकेशन एरियाज वेर वी यूज डीप लर्निंग एंड वॉट इज द फ्यूचर ऑफ डीप लर्निंग। ओके, सो नाउ दैट वी नो द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग, लेट्स ऑल्सो डिस्कस द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीप लर्निंग। एंड टू बी ऑनेस्ट, डीप लर्निंग इज एवरीवेयर, मतलब पिछले 10 सालों में, 2012 से लेकर अभी तक 8-9 साल जो भी हुए हैं, डीप लर्निंग ने हर एरिया में पेनेट्रेट किया है और उस एरिया को इम्पैक्ट किया है, राइट। और देर आर सो मेनी टिपिकल यूज केसेस यार, मतलब नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन, चैट बॉट्स, या फिर आई डोंट नो, देर आर सो मेनी फील्ड्स। बट हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दीज आर सम क्यूरेटेड एप्लीकेशन जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट वन इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एप्लीकेशन एरिया ऑफ डीप लर्निंग, इट्स सेल्फ ड्राइविंग कार। सो वॉट इज अ सेल्फ ड्राइविंग कार, नाम से समझ में आ रहा है, इट्स अ कार विद अ ब्रेन, इट कैन ड्राइव ऑन इट्स ओन, इसको ड्राइवर का जरूरत नहीं है। मतलब गूगल का एक सब्सिडरी है वेमो, टेस्ला मोटर्स हुआ या फिर उबर हुआ, इस तरह की कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार रिसर्च में है। ओके, तो सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जैक्टली होता क्या है, इट्स अ नॉर्मल कार टू बी ऑनेस्ट, जिसमें कुछ सेंसर्स होते हैं। सो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, राइट लेफ्ट कैमरा होता है, देयर इज अ सेंसर कॉल्ड लाइडार, वो टॉप पे रहता है जो प्रॉक्सिमिटी मेजर करते रहता है कि आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं कि नहीं, और भी बहुत सारे सेंसर्स को मिला करके यू टेक अ लॉट ऑफ इनपुट ऑफ योर सराउंडिंग। ओके, जीपीएस इज देयर, सो ये सारा का सारा जो इनपुट आता है सेंसर से, उसको आप कंप्यूटर में फीड कराते हो। सो बिहाइंड द कार, मतलब लास्ट में एक कंप्यूटर होता है जिसमें आप वो सारा इनपुट फीड करा रहे हो, और वहां पर डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स रन कर रहे हैं जो इवेंचुअली आपके कार के मैकेनिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और जिसकी वजह से कार खुद से ड्राइव करता है। इनफैक्ट आप एक बार यूट्यूब पे जाके टाइप करोगे ना सेल्फ ड्राइविंग कार, यू विल फाइंड काउंटलेस वीडियोस जहां पर यू नो पीपल आर सिटिंग इन द कार एंड दे आर नॉट ड्राइविंग इट, कार खुद से चल रही है और बिल्कुल स्मूथ चल रही है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है हम लोग ऑलरेडी फ्यूचर में आ चुके हैं, राइट। यू नेवर नो, मतलब 5 साल बाद आप नीचे उतरो और उबर पे कैब बुक करो, एक गाड़ी आए उसके अंदर ड्राइवर ना हो, राइट। सो आई डोंट नो, जिस तरीके से चीजें भाग रही हैं, दिस कुड बी आवर फ्यूचर। ओके, एंड दैट इज टोटली इंटरेस्टिंग, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एप्लीकेशन एरिया, जो अगेन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो दिस इज गेम प्लेइंग एजेंट्स। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपना कंप्यूटर प्रोग्राम को कोई गेम खेलना सिखाते हो। ओके, अब ये बहुत पहले से आइडिया एग्जिस्ट करता था, बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इनफैक्ट मर्ज करके इसको डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फील्ड सडनली से ये जो गेम प्लेइंग एजेंट्स है ना, इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट आई डोंट नो आपको AlphaGo के बारे में पता है कि नहीं। सो AlphaGo इज दिस एल्गोरिथम बिल्ड बाई डीप ब्रेन, दिस कंपनी अक्वायर्ड बाय गूगल। सो इन लोगों ने गेम प्लेइंग एजेंट बनाया फॉर द गेम ऑफ गो, इट्स एन एंशियंट चाइनीज गेम जो चेस से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब इस गेम में उतनी पॉसिबिलिटीज है जितना यूनिवर्स में एटम्स नहीं है, इमेजिन दैट। सो लोग बहुत खुद को दिलासा देते थे कि यार अभी AI उतना पावरफुल नहीं हुआ है कि गो में लोगों को हरा पाए, बट गेस व्हाट, 2016 में AlphaGo द AI एल्गोरिथम क्रिएटेड बाय गूगल डीप माइंड वॉज एबल टू बीट ली सुडोल, उस टाइम का वर्ल्ड चैंपियन इन द गेम। 5 गेम खेले और 4 बार उसको हराया, और मैं उसका डॉक्यूमेंट्री है, उसका लिंक में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक करना, इनसेम डॉक्यूमेंट्री, राइट। इनफैक्ट वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि 2018 में उसने गेम खेलने छोड़ दिया, ये बोल करके कि बॉस इट्स नॉट पॉसिबल टू बीट दिस AI, तो मैं गेम खेल के क्या करूंगा। एंड दैट इज इनसेम गाइज, नेवर नो फ्यूचर में हम रोबोट्स का IPL देख रहे हैं और पीपल आर प्लेइंग क्रेजी क्रिकेट और फुटबॉल, दैट्स द नेक्स्ट लेवल, राइट। द थर्ड वन इज वर्चुअल असिस्टेंट्स। सो If you have used Google Now or Siri or Cortana, they are brilliant, right? मतलब कभी कभी तो sarcastic तरीके से reply भी कर देते हैं वो। So they are actually able to understand कि आप उससे क्या बात कर रहे हो, context reading करता है, कभी कभी आगे पीछे की बात करता है, and that is totally possible because of RNNs और deep learning के कुछ algorithms. Okay? So
2015 के पहले इन सभी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट जैसे ही डीप लर्निंग थोड़ा मेन स्ट्रीम हुआ और एप्लीकेशंस आए और ज्यादा रिसर्चर्स काम करने लग गए, इन सबका यू नो परफॉर्मेंस बहुत बढ़ चुका है। और अब तो मतलब बहुत सारे चैटबॉट्स आ गए हैं और हर कंपनी ऑलमोस्ट चैटबॉट्स यूटिलाइज कर रही है और वो चैटबॉट्स को पावर कर रहा है डीप लर्निंग। ओके, सो वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड चैटबॉट्स इज द थर्ड एप्लीकेशन जो मेरे को बहुत पसंद है। ओके, सो ये तो कुछ मेन स्ट्रीम एप्लीकेशंस हो गए। अब आई डिस्कस सम यू नो ऑफ द ट्रैक एप्लीकेशंस जो उतने फेमस नहीं है क्योंकि एक्चुअली उनका यूज केस उतना ज्यादा नहीं है, बट दे आर डैम इंटरेस्टिंग। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो वन ऑफ देम इज इमेज कलराइजेशन। सो इमेजिन कि आपके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और आपको उसको कलर में देखना है। डीप लर्निंग कैन डू दिस। आप ऑटोमेटिकली उस फोटो को जब डीप लर्निंग एल्गोरिदम में डालोगे, दैट एल्गोरिदम विल कैलकुलेट और प्रेडिक्ट कि कौन से पिक्सल का कलर क्या होना चाहिए और उसमें वो पिक्सल का कलर ऐड करके आपको आउटपुट में दे देगा। और ये चीज अब बहुत यूज हो रहा है। पुरानी फिल्में होती है ना जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उन फिल्मों में अब कलर ऐड करने का ट्राई किया जा रहा है यूजिंग दिस टेक्निक। सो आई डोंट नो, आपको अगर कोई फिल्म बहुत पसंद है और वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, जस्ट बी रेडी, Amazon या फिर Netflix पे हो सकता है वो कलर में री रिलीज हो। राइट, सिमिलर टू दिस देयर इज वन मोर टेक्निक जहां पर रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि वो साइलेंट वीडियोज और मूवीज में जहां पर ऑडियो नहीं है उसमें ऑडियो डालने का ट्राई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, मतलब सीन को देख करके ऑडियो जनरेट हो रहा है। आई शेयर अ लिंक ऑफ दिस वीडियो जहां पर रिसर्चर्स ने ऑडियो जनरेट किया है इन अ म्यूट वीडियो। ओके, दैट इज इनसेन। राइट, सिमिलर टू दिस देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड इमेज कैप्शन जनरेशन। ओके, सो इमेज अपने एल्गोरिथम को आप दे रहे हो और वो एक टेक्स्ट जनरेट कर रहा है, उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है जो भी उस फोटो में हो रहा है। राइट, आई शेयर सम पिक्चर्स, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि यहां पर कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें कुछ एक चीज हो रही है और नीचे मेरा एल्गोरिथम टू द पॉइंट बता पा रहा है कि वो क्या देख रहा है। राइट, एंड दैट इज ग्रेट। राइट, सिमिलरली मूवी पोस्टर्स को दिखा करके यू कैन जनरेट यू नो अटैक, राइट, अटैक फॉर द मूवी। ओके, तो इस तरह के एप्लीकेशन बहुत आ रहे हैं और ठीक है, मतलब उतने ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है ज्यादा एरियाज में, बट दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज टेक्स्ट ट्रांसलेशन। सो आप कुछ एप्स आने लग गए हैं जिसको आप डायरेक्टली अगर पॉइंट करो किसी ऐसे लैंग्वेज के ऊपर, कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर जो आपको समझ में नहीं आता, वो रियल टाइम उसको ट्रांसलेट कर पा रहा है। इनफैक्ट गूगल ट्रांसलेटर के अंदर का बहुत सारा कोड इज रिटन इन डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज हो रहा है फॉर दिस रियल टाइम ट्रांसलेशन। ओके, नॉट ओनली दैट, अब तो मतलब आप इमेजेस के ऊपर भी पॉइंट आउट कर रहे हो ना, तो वहां पे भी जो टेक्स्ट है उसको आप रियल टाइम में कन्वर्ट कर पा रहे हो इनटू सम लैंग्वेज जो आपको समझ में आ रहा है, लाइक इंग्लिश और हिंदी और सम अदर लैंग्वेज। राइट, एंड दिस इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर ट्रैवलर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो साइन बोर्ड्स नहीं समझ पा रहे या बस का नंबर नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए बहुत ईजी। आपने कैमरा पॉइंट किया और आपको ट्रांसलेशन मिल गया कि अच्छा यार ये तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे अभी तक याद है मेरे बचपन की कुछ फोटोज है जो मैं अब देखने का ट्राई करता हूँ ना, तो वो इतना ब्लरी है ना कि समझ में नहीं आता उसके अंदर क्या है। और ये जो नया टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ आपको, सो 2016 में गूगल ब्रेन टीम के कुछ रिसर्चर्स ने पिक्सल रिस्टोरेशन बोल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जहां पर उन लोगों ने बहुत ही कम पिक्सल का एक फोटो दिया और उसको HD में कन्वर्ट करके यू नो आउटपुट निकाला। सो आसपास के पिक्सल्स का वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं एल्गोरिथम और आपके लो क्वालिटी फोटोज को हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आपके घर में अगर पुरानी फोटोज हैं या फिर बहुत पुराने एल्बम्स हैं आपके, आप उनका फोटो लो, इस एप्लीकेशन में डालो एंड इन टर्न इट विल रिटर्न अ ब्रांड न्यू काइंड ऑफ फोटो जो एकदम यू नो अच्छा दिख रहा है। राइट, एंड दिस अगेन इज अ ग्रेट एप्लीकेशन। देन देयर इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने गूगल फोटोज यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि गूगल फोटोज क्या करता है, आपकी सारी फोटोज को ऑटोमेटिकली फोल्डर्स में अरेंज कर देता है। सो आपके नाम का फोल्डर, आपके पेरेंट्स का फोल्डर, आपके पेट का फोल्डर, आपके फ्रेंड्स का फोल्डर, आपके कॉलेज ट्रिप का फोल्डर, और आपके नहीं कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। राइट, सो गूगल फोटोज का एल्गोरिथम इज एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट और फर्स्ट इट्स एबल टू डिटेक्ट दैट ऑब्जेक्ट एंड देन इट्स एबल टू आइडेंटिफाई इट और फिर उसको क्लस्टर कर देता है इनटू वन ग्रुप। ओके, एंड ये इसका एक बहुत सॉलिड एग्जांपल क्या है कि कुछ दिन पहले मेरे एक रिलेटिव के यहाँ पर एक बेबी हुआ और वो लोग उसकी बहुत फोटोज लेते थे। राइट, सो पहला एक दो साल तक जब वो बेबी बड़ा हो रहा था तो उसकी बहुत सारी फोटोज लेते थे। वन फाइन डे जो मदर थी उनको गूगल फोटोज का नोटिफिकेशन आया दैट वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। उसने क्लिक किया ना तो एक दो मिनट का वीडियो प्ले हुआ जहां पे उस बेबी की जितनी भी फोटोज थी ना उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके गूगल फोटोज ने दिखाया था और नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, दे ग्रो अप सो फास्ट विद अ स्माइली।
एंड ये सारा का सारा काम गाइस ऑटोमेटिक था, ऐसा नहीं था कि गूगल में लोग बैठ करके ये कर रहे हैं, नहीं, इट वॉज दैट एल्गोरिदम जिसने ऑटोमेटिकली ये सोचा कि चलो यार अपने यूजर को स्पेशल फील कराते हैं, और उसने एकदम परफेक्ट तरीके से कराया, एंड दैट इज इनसेन राइट। मतलब यूजर को इतना पर्सनल फील कराना, तो यार फिर तो मैं हमेशा ही गूगल फोटोज यूज करूंगा राइट। देन देयर आर GANs, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स, यूजिंग दीज यू कैन जनरेट न्यू थिंग्स, लाइक यू कैन जनरेट इमेज लाइक दिस, मतलब इनमें से कोई भी ह्यूमन बींग एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं किया, ये एक न्यूरल नेटवर्क का कमाल है जिसने ऑटोमेटिकली खूब सारी फोटोज देखी और फिर नए लोगों की फोटोज जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। आई डोंट नो आपने कभी ये इस तरह के ऐप्स यूज किए कि नहीं, आप एक लड़का और एक लड़की बेसिकली एक कपल का फोटो दो तो दैट ऐप विल बी एबल टू प्रिडिक्ट कि उनका बेबी कैसा दिखाई देगा राइट। सो इस तरह के आपने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे होंगे। सो दे यूज GAN एज जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, ठीक है। GAN का बेस्ट पार्ट है कि वो खुद से म्यूजिक भी जनरेट कर सकता है राइट। सो यू नेवर नो फ्यूचर में लोग प्रोडक्शन हाउसेस AI ओन करें और AI कंपोजिशन जनरेट करें और लोग अब फिर फ्यूचर में बादशाह और हनी सिंह के फैन ना हो, AI के फैन हो राइट। सिमिलरली इट कैन ऑल्सो जनरेट हैंड राइटिंग, सो अगर आप खूब सारा हैंड राइटिंग दिखाओ तो वो सेम हैंड राइटिंग जनरेट कर सकता है राइट। इट कैन ऑल्सो जनरेट स्टोरीज, मतलब कुछ दिन पहले मुझे न्यूज मिली थी कि एक AI ने एक स्टोरी लिखा है और फिर लोगों ने उसके ऊपर एक मूवी बनाई, छोटा सा शॉर्ट मूवी राइट। सो गाइज मतलब आई कैन टॉक एंड टॉक एंड टॉक, देर आर सो मेनी थिंग्स। आप एक बार गूगल करोगे ना एप्लीकेशन एरियाज ऑफ डीप लर्निंग, भर के आपको पेजेस मिलेंगे और आप पढ़ते चले जाओगे, एंड थिंग्स आर सो इंटरेस्टिंग ओवर देयर राइट। एक कॉन्सेप्ट है डीप ड्रीमिंग पढ़ करके, डीप ड्रीमिंग में एक कंप्यूटर को ड्रीम करवाया जा रहा है, आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगेन अ स्टनिंग आइडिया राइट। एंड इसके अलावा भी बहुत 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 नॉर्मल एप्लीकेशन भी हैं चीजों के जो बहुत यूजफुल है, जैसे मेडिकल में ड्रग रिसर्च के ऊपर काम चल रहा है, जेनेटिक्स के ऊपर काम चल रहा है, या फिर यू नो वैक्सीन क्रिएट करने के ऊपर काम चल रहा है राइट। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर काम चल रहा है, कस्टमर चर्न रेट निकालने के ऊपर काम चल रहा है, एजुकेशन में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मेजर पे करने के ऊपर काम चल रहा है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें डीप लर्निंग यूज हो रहा है। हर कंपनी का टेक्निकल बंदा उठ रहा है, डीप लर्निंग सीख रहा है और अपनी कंपनी में उसको यूज कर रहा है, एंड दैट इज वाई आज के डेट में इट इज गेटिंग सो मच फेमस राइट। इट हैज बिकम दिस हॉटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको सीखना इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, and that is why I am so excited to teach you this technology right। So that was the video guys, I hope आपको चीज़ें समझ में आई। मैंने बहुत सारे links आपको देने की बात की है, तो आप description में check करना, मैंने सारे links provide कर दिए हैं और कुछ links तो वहाँ पर बहुत interesting है, I would recommend एक बार जाके आप देखो, काफ़ी मज़ा आएगा ठीक है। So हमें जो भी थ्योरी कवर करना था हमने कर लिया इन दो वीडियोज़ में, और अब मुझे लगता है कि हम लोग सच में प्रिपेयर्ड हैं प्रैक्टिकल टॉपिक में मूव करने के लिए। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे परसेप्ट्रॉन, विच इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ MLP या फिर ANN ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके लाइक करने से यूट्यूब को लगता है कि ये कॉन्टेंट अच्छा है और उसे और लोगों तक पहुंचाता है YouTube, और ट्रस्ट मी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ अ फेवर दैट आई एम आस्किंग फॉर फ्रॉम योर साइड ठीक है। आई होप आप वो बटन प्रेस कर दोगे ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, परसों मिलते हैं, बाय।